नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास ने मानव जनजाति को चारों वेदों के ज्ञान से अवगत कराया, साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में महर्षि वेदव्यास का बहुत बड़ा योगदान और प्रभाव रहा, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाया जाता है और इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की आराधना भी करते हैं एवं सत्यनारायण कथा का श्रवण करते हैं। इस वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई 2024 शनिवार को शाम 6:00 आरंभ होगी एवं 21 जुलाई 2024 रविवार शाम 3:47 समाप्त होगी। आइए सुनते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर लेना चाहिए। यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो पानी में गंगा जल के कुछ अंश मिलाकर स्नान कर लें। इसके पश्चात सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजन तुलसी धूप दीप गंध फूल एवं फल से करें। इस दिन काले तिल का दान करना बहुत शुभ माना गया है, इसलिए काले तिल का दान करें। पूजा के दौरान सत्यनारायण कथा का पाठ एवं श्रवण करें। साथ ही इस दिन गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष पुण्य होता है, इसलिए यदि संभव हो तो ब्राह्मण एवं जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। आइए सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेदव्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। वेदव्यास जी ने बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रखी। उन्होंने एक बार अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन में जाने की हट करने लगे। वेदव्यास जी की हट करने से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेदव्यास जी वन की ओर जा रहे थे तब उनकी माता ने उनसे कहा, तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। जब ऋषि वेदव्यास जी ने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी तब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर ब्रह्म ज्ञान का सार समझाया। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें ये ज्ञान मानव समाज तक पहुंचाने का जिम्मा दिया। तब ऋषि वेदव्यास जी ने अपने ज्ञान के आधार पर वेदों एवं गरुड़ ग्रंथों की रचना की। इसके बाद उन्होंने वेद महाभारत 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। इसके बाद ऋषि वेदव्यास जी ने अन्य ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान दिया और ऋषियों ने वेदव्यास जी को अपना प्रथम गुरु मानकर उनकी पूजा की। कहते हैं इसके बाद से ही गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो गई और आश्रम में शिक्षाएं दी जाने लगी। हालांकि गुरु पूर्णिमा का पर्व तो उस दिन से बनाना शुरू हुआ जब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए आग्रह किया था। और गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू करने से पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी को गुरु मानकर उनकी पूजा अर्चना की थी। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।